बस आज बहुत अच्छी रेसिपी लेके हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, और वो है आलू की रोटी। इंशाल्लाह ताला देखें आप, लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला, लाल मिर्च माशाल्लाह से ये मैदा पड़ा हुआ है आपके सामने फ़्रेश, देख सकते हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है, साथ प्याज बिल्कुल फ्रेश नीट एंड क्लीन कटी हुई है। आलू बॉयल हो चुके हैं, अब उसके सामने देखें आप, मेरी वाइफ मैश करेंगी, ठीक है, अब उन्होंने मैश कर दिया है साथ में, फिर दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ साथ, जी हाँ ये देखें माशाल्लाह से फिर उन्होंने उसमें मैदा डाला है, बिल्कुल बेक पाउडर का मैदा, बिल्कुल हम ऑथेंटिक मैदा होता है बेक पाउडर की सूजी, मैदा बेसन बहुत अच्छा है आप यूज़ किया करें। उसके बाद गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, जी हाँ साबुत ज़ीरा, ये उन्होंने उसमें डाला है माशाल्लाह से, और ये देख सकते हैं आप, ये अब उसके बाद ये देखें आप, उन्होंने उसका अच्छी तरीके से उसको गूंद के और उसको मिक्स करके, उन्होंने जैसे पेड़े बनते हैं आटा गूंदा जाता है ऐसा उन्होंने बना लिया है। ये आलू की रोटी आप बना रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त और मैदे के साथ बहुत अच्छी बनती है, बहुत प्यारी बनती है, बहुत लजीज टेस्टी बनती है, और ये देख सकते हैं आप, अब उसके बाद वो उसको माशाल्लाह से ये देखें बेल रही हैं और रोटी बना रही हैं आलू की, और आप ये ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी है, रमज़ान में बनाएं, रमज़ानों के बाद बनाएं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है, बहुत लजीज, बहुत टेस्टी होती है, और मैदे की रोटी भी बहुत अच्छी होती है जिस तरह वो बना रही हैं। ये मैदे की आलू की रोटी है, जी हाँ ये देख सकते हैं आप, देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से, तोड़ के वो आपको दिखा रही हैं, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त है, ज़रूर बनाइएगा। प्लीज़ व्यूअर्स लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, लव यू।